स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं खास खबर की ओर। बीजेपी कार्यालय जयपुर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया की कृषि बिल को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया का कहना है कि कांग्रेस थूक कर चाटती है, किसानों की फर्जी BCR भरी जा रही है, दुगना बिल आ रहा है, किसानों की खराब हुई फसल का मुआवजा देना चाहिए, कांग्रेस सरकार को एक और किसानों को अपनी फसल का पूरा पैसा मिलना चाहिए। साथ ही प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया ने कांग्रेस पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान के किसान आत्महत्या करने को मजबूर है क्योंकि उनको फसल का पूरा पैसा नहीं मिल पाता। कोरोना काल में भूखे प्यासे अपने परिवार के साथ एक जगह बैठ रहे हैं। उनको समय पर ना कोई राशन पानी की व्यवस्था है ना खाने की व्यवस्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर राशन सामग्री पहुंचाई। गहलोत सरकार को प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया ने आड़े हाथ लेते हुए कहा कि राजस्थान के किसान जनता सब जान चुकी है, कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकेगी, इसका नतीजा आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएगा। अपनी आमदनी का हो रहा है सरकार की बात को और इस कारण से आपने देखा होगा कि इतने साल तक बीजेपी राजनीति में रहते हो गया। अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस कांग्रेस के राज में कभी बड़ी, मैं उनको चुनौती दे रहा हूँ आज, 50 साल में आपने जब जब जितने जितने रुपया प्रति क्विंटल मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाई है उसकी जोड़ लगा, और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के आने के बाद जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो की है आज की तारीख में जो है वो तुम्हारे 50 साल की टोटल से भी ज़्यादा है, ये मेरी गारंटी है और न चाहो तो आंकड़े के आधार पर भी तुलना करने को तैयार। प्रधानमंत्री जी ने 1.5 गुना जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट का जो मेन भाग था वो यही था कि किसान को उसकी कम से कम लागत का 1.5 गुना पैसा मिले। इस देश के प्रधानमंत्री ने हिम्मत करके 400 रुपया क्विंटल, 500 रुपया क्विंटल, 700 रुपया क्विंटल, 700 रुपया क्विंटल बाजरे का दाम बढ़ा करके किसान को अगर एक अच्छी रकम देने की देखी तो इसमें विरोध की बात क्या है। केवल और केवल सरकार को करना क्या है, मंडी में खरीद आज भी हो रही है कल भी हो सकती है, मंडी की खराब खरीद इससे बंद नहीं हो सकती। केवल मंडी में जो आपका मंडी शुल्क है ये शुल्क आपको वेव करना पड़ेगा। इस खबर में इतना ही, देखते रहिए न्यूज 18। नमस्कार।